हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सुमानसी सहगल। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारी क्लासेस चल रही है वो मेकअप के ऊपर चल रही है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ कि मेकअप कैसे किया जाता है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि स्किन को प्रेप कैसे करना है, जो कि मैंने आपको बताया था क्लिंजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग कैसे करनी है फेस की, किस स्किन पर कैसी करनी है। तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट अब टॉपिक आ रहा है वो होता है मॉइस्चराइजिंग करने के बाद फेस की कंसीलिंग करना। तो कंसीलिंग करने के लिए हमारे पास बहुत सारे, आपने देखे होंगे मार्केट में कंसीलर्स अवेलेबल होते हैं, करेक्टर्स होते हैं, तो हमको पता नहीं होता कि हम कौन सा लें। जो जैसे बिगनर्स होते हैं उन लोगों को नहीं पता होता कि हम कौन सा लें और कैसे, कौन सा ठीक रहेगा हमारे लिए और कौन सी प्रॉब्लम के लिए कौन सा करेक्टर और कंसीलर यूज़ में आता है। तो उसको बताने के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक ये चार्ट बनाया है। आप चाहें तो इसकी फ़ोटो जो फ़ोटो है उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपके काम में आ जाए, क्योंकि मैंने सब कुछ लिखा हुआ है। तो इस तरीके से मैं आपको बताती हूँ कि कंसीलर्स क्या चीज़ होते हैं। तो जब भी हमारे स्किन पे कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको हाइड करने के लिए करेक्टर्स और कंसीलर्स का यूज़ किया जाता है। तो कंसीलर्स में बहुत सारे कलर्स होते हैं, तो कलर्स को समझने के लिए पहले हम ये समझेंगे कि हमें जो नेचर से कलर प्राप्त हुए हैं वो तीन तरह के कलर्स होते हैं जिनको प्राइमरी कलर्स कहा जाता है। वो कलर है रेड, येलो और ब्लू, जो कि ये मैंने यहाँ पे चार्ट बनाया है, रेड, येलो और ब्लू। तो जब हम इनको कलर को मिक्स करते हैं तो हमारे पास तीन नए कलर्स आएंगे। जैसे कि मैं रेड और येलो को मिक्स करूँगी तो मेरे पास कलर आएगा ऑरेंज, और मैं येलो को और ब्लू को मिक्स करूँगी तो मेरे पास कलर आएगा ग्रीन, और मैं रेड को और ब्लू को मिक्स करूँगी तो मेरे पास कलर आएगा पर्पल। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे अब हम इसको बीच में से मैंने ऐसे डिवाइड कर दिया इसको, तो एक चीज़ और समझ लेते हैं हम लोग। इसको मैंने ऐसे बीच में से डिवाइड कर दिया तो जो इस सेट के कलर्स हैं वो वार्म कलर्स हैं। जो भी स्किन, जैसे हमारा इंडियंस का स्किन टोन वार्म कलर में होता है, जैसे हम लोग इंडियंस होते हैं, हम पे जो कंसीलर्स यूज़ आएंगे वो वार्म कलर्स के होंगे ज़्यादातर। और इसमें ये भी बता सकते हैं कि इस साइड के जो कलर्स हैं हमारे वार्म कलर्स हैं, जैसे कि रेड, ऑरेंज और येलो। जो कलर आँखों को चुभते हैं या हमें तेज़ दिखते हैं वो वार्म कलर्स होते हैं। जो आँखों को ठंडक पहुँचाते हैं, जिन कलर्स को देख के हमें अच्छी सी फीलिंग आती ठंडी ठंडी सी, तो वो कलर हमारे कूल कलर्स होते हैं। तो हमारे जो वार्म कलर्स होते हैं वो इंडियन स्किन टोन के लिए सही रहते हैं, और जो कूल कलर्स होते हैं वो अधिकतर हम देखते हैं कि फॉरनर्स जो होते हैं वो कूल जगह से होते हैं, इसलिए वो उनका जो स्किन टोन होता है वो भी कूल होता है एकदम से। अब मैं आपको बताऊंगी कि जो इन कलर्स के एंटी कलर्स होते हैं, जो कि इनके सामने वाले कलर होते हैं, वो उनको एंटी कलर्स या एनिमी कलर्स कहा जाता है। जैसे कि हमारे स्किन पे जो भी प्रॉब्लम है उसको हाइड कौन करेगा, उसका एंटी कलर। सबसे पहले हम लोग तीन करेक्टर्स के ऊपर बात करते हैं कि हमारे पास, हमने देखा है कि एक तो ग्रीन करेक्टर होता है, एक ऑरेंज करेक्टर होता है और एक येलो करेक्टर होता है। तो मैं पहले आपको इनके बारे में बता दूं कि क्या होते हैं और किस यूज़ में आते हैं। सबसे पहले ऑरेंज करेक्टर के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। ऑरेंज करेक्टर के सामने आप देखिए ये ब्लू है, तो ब्लू क्यों है? जब भी हमारी स्किन पर किसी भी तरीके के ब्लू प्रॉब्लम होती है, जैसे कि डार्क सर्कल्स होना, पिगमेंटेशन होना, एक्ने मार्क्स होना, अनइवन स्किन टोन होना, टैन होना, जो पिगमेंटेशन वगैरह होती है देखने में तो ब्लैक लगती है लेकिन वो होती है, उसका जो अंडरटोन होता है वो ब्लू ही होता है, तो हमको उनको हाइड करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? ऑरेंज करेक्टर की। क्योंकि आपने देखा ये ब्लू है, तो ब्लू कलर की जो भी प्रॉब्लम होगी उसको कौन हमारा हाइड करेगा? वो होगा ऑरेंज करेक्टर। तो जब भी हमें ब्लू की कोई भी प्रॉब्लम है हमारे स्किन पर, तो हम उसको ऑरेंज करेक्टर से रिमूव करेंगे। तो सेकेंड हमने देखा है कि ग्रीन करेक्टर होता है, जो कि इस तरह का दिखता है, ग्रीन करेक्टर। ये हमारा ऑरेंज था पहला, ये हमारी ब्लू प्रॉब्लम को रिमूव करेगा। उसके बाद हमारा ग्रीन करेक्टर है। ग्रीन करेक्टर क्या करेगा कि हमारी इंडियन स्किन टोन बहुत फेयर, कम ही होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती, और जिनका बहुत फेयर होता है कलर उनको हल्की हल्की सी रेडनेस होती है फेस के ऊपर, कहीं कहीं उनके जैसे अपने आप पिंकिश उनके चीक्स होते हैं या हल्का सा उनका पिंकनेस रहती है फेस के ऊपर। तो उस पिंकनेस को अगर हम रिमूव करना चाहते हैं तो हमें ग्रीन करेक्टर की नीड रहेगी। और अगर हमारे स्किन पर एक्ने, पिंपल आप देखते हैं कि एक्टिव होते हैं, तो वो पिंक पिंक कलर के होते हैं, तो उन उस वाली पिंकनेस को छुपाने के लिए भी हम लोग ग्रीन करेक्टर का यूज़ करेंगे।
तो सेकंड हमारा जो ग्रीन करैक्टर था वो किसको रेडनेस को रिमूव करेगा और किसी भी तरीके के रेड मार्क को, किसी किसी का बर्थ मार्क भी होता है रेड कलर का, तो उसको भी अगर हमें हाइड करना है तो हमें ग्रीन करैक्टर का ही यूज़ करना है। थर्ड हमारा है येलो, येलो के सामने हमारा इसका कलर है एंटी कलर पर्पल। तो जब भी हम लोगों को पर्पल वेंस की प्रॉब्लम होती है, किसी किसी का आपने देखा होगा फेस के पास यहाँ पे नस दिखती हैं, कहीं भी नस दिखती हैं फेस के ऊपर पर्पल कलर की, जब हमको उसको हाइड करना हो, तो जैसे इस तरह से मेरे हैंड पे दिख रही है, तो हमको जब भी इसको हाइड करना होगा तो मैं इसके लिए येलो करैक्टर का यूज़ करूँगी, ताकि पर्पल की जो प्रॉब्लम है वो येलो करैक्टर से ही हाइड होगी। तो इस तरीके से आपको तीन करैक्टर्स के बारे में पता लग गया कि हमारे पास तीन तरह के करैक्टर्स हैं, ऑरेंज, ग्रीन और येलो। तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ऑरेंज, ग्रीन और एक अपना है येलो। तो इस तरह से हमारे तीन करैक्टर्स हैं, ये एक ऑरेंज है, ये एले गर्ल के हैं, ये है ग्रीन और ये येलो। तो इसको हम लोग यूज़ करेंगे जब भी हमको, मैंने आपको बता दी क्या क्या प्रॉब्लम्स होगी उस समय हमको इनको यूज़ करना है। अब आपको मैं बताऊंगी कि कंसीलर और करैक्टर को यूज़ क्यों किया जाता है। करैक्टर का यूज़ तब होता है जब हमारे फेस, जब हमको मेकअप की लॉन्ग मतलब लास्टिंग बहुत अच्छी चाहिए होती है। जब भी हमको मेकअप की लास्टिंग अच्छी चाहिए होती है तब हम करैक्टर का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम ब्राइडल मेकअप करते हैं और ब्राइड्स को प्रॉब्लम है फेस के ऊपर, डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम ज़्यादातर लोगों को होती है, तो उसको हाइड करना है हमको, या कहीं टैन मार्क है या कहीं एक्ने पिंपल्स के मार्क्स हैं जो पुराने हो चुके हैं, उनको हाइड करना है, तब हम लोग कंसीलर्स का यूज़, करैक्टर्स का यूज़ करेंगे पहले, उसके बाद हम लोग कंसीलर की एप्लीकेशन भी करेंगे उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो करैक्टर का यूज़ कब करेंगे, जब हम लोगों को मेकअप को बहुत लॉन्ग लास्ट करना है, और जब हम लोगों को बिल्कुल लाइट सा मेकअप करना है, जैसे कि आपके पास पार्टी मेकअप आते हैं, इंगेजमेंट मेकअप आते हैं, थोड़ी देर के लिए उसका हमें लुक चाहिए होता है, तो उसके लिए हम लोग कंसीलर्स का डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है हम वहाँ पर करैक्टर भी यूज़ करें। तो एक तो आपका अंतर हो जाएगा कि हम लोगों को लास्टिंग करनी है तो हम लोग क्या करेंगे, करैक्टर्स का और कंसीलर्स का यूज़ करेंगे, और अगर हम लोगों को कि बहुत ज़्यादा लास्टिंग नहीं चाहिए मेकअप की, तब हम लोग कंसीलर्स का यूज़ करेंगे, क्योंकि बिल्कुल लाइट वेट होते हैं और हल्की हल्की सी कवरेज दे देते हैं फेस को, जो भी प्रॉब्लम होती है हमारे फेस पर। अब हमें कंसीलर्स और कैसे यूज़ करने हैं, जब हमें पता है हमारा स्किन टोन कैसा है, जैसे कि स्किन टोन फेयर होता है तो उससे दो टोन नीचे जाके हमको यूज़ करना है डार्क। जैसे कि हमारा फेयर स्किन है तो दो टोन डार्क हम लोगों को कंसीलर यूज़ करना है अपनी स्किन टोन से, तो डार्क में जाएंगे तब हमारी जो प्रॉब्लम है वो हाइड होगी। अगर हम लाइट कंसीलर प्रॉब्लम के ऊपर लगा देंगे तो थोड़ी देर बाद वो प्रॉब्लम उभर के दोबारा से बाहर आ जाएगी, जिसके बाद हमको ग्रे मेकअप की प्रॉब्लम हो जाती है, हम बोलते हैं हमारा मेकअप ग्रे हो गया। तो क्या कारण होता है, वो फाउंडेशन में भी यही प्रॉब्लम होती है कि हम सोचते हैं कि हम बहुत ज़्यादा फेयर दिखें, तो हम अपनी स्किन टोन से बहुत ज़्यादा ऊपर का हम लोग फाउंडेशन ले लेते हैं, तो क्या होता है कि वो हमारी जो प्रॉब्लम होती है और उभर के दिखने लगती है थोड़ी देर बाद। तो हमें क्या करना है, या तो हम टोन टू टोन अपना यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ हम एक टोन या दो टोन ही ऊपर जाएंगे, ज़्यादा ऊपर फेयर कलर हमें नहीं अप्लाई करना अगर हमारी स्किन फेयर नहीं है तो। तो इसी तरीके से जब हम कंसीलिंग करेंगे फेस की तो हम दो टोन नीचे जाएंगे, डार्क कलर का यूज़ करेंगे, किसी भी चीज़ को छुपाने के लिए हम लोग डार्क कलर का यूज़ करते हैं, तभी वो चीज़ हाइड होती है। तो हम लोग जब कंसीलर यूज़ करेंगे तो दो टोन डार्क जाएंगे, और हम लोग जब हाइलाइटिंग करेंगे क्लाइंट के, जैसे आपको पता है हाइलाइटिंग एरिया होता है, वहाँ वहाँ हमको हाईलाइट करना होता है, जब उसके लिए भी हम लोग कंसीलर्स का यूज़ करते हैं, तो जब भी हम लोग हाइलाइटिंग करेंगे तब हम लोग दो टोन लाइट कंसीलर से हाइलाइटिंग करेंगे। तो कंसीलर्स आपको पता है मार्केट में बहुत सारे तरह के अवेलेबल होते हैं, मैं आपको कुछ कंसीलर्स के बारे में बता दूँ, जैसे कि लिक्विड कंसीलर, स्टिक कंसीलर और क्रीम कंसीलर। तो जो हमारे लिक्विड कंसीलर्स होते हैं उनकी कवरेज होती है मीडियम, और ये ऑल स्किन टाइप होते हैं, जैसे कि लिक्विड कंसीलर्स में ऐसे कंसीलर्स आते हैं, ये लिक्विड होते हैं तो इनकी जो कवरेज होती है वो मीडियम होती है, और ये ऑल स्किन टाइप होते हैं। इसी तरह से स्टिक कंसीलर्स होते हैं जिनकी जो कवरेज होती है वो अच्छी होती है, और ड्राई स्किन के लिए ये अच्छे रहते हैं। और हमारे लास्ट होते हैं क्रीम कंसीलर्स, जो क्रीम कंसीलर्स होते हैं उनकी जो कवरेज होती है बहुत हाई होती है,
और वो ऑल स्किन टाइप होते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे पास कुछ प्रो गर्ल के पड़े हुए हैं कंसीलर्स, और कुछ मैबलिन के, और कुछ मैंने टार्ट ब्रांड के ख़रीदे हुए हैं। टार्ट के मैंने दो लिए हुए हैं, एक हाइलाइटिंग के लिए और एक जो कंसीलिंग का वर्क करता है, एक्ने पिंपल के मार्क को भी हाइड करता है, और जो फेयर ब्राइट्स आती हैं उनके हल्का फुल्का अगर डार्क सर्कल्स होते हैं तो उसको भी हाइड करता है। तो इसका मैं कोड बता देती हूँ आपका, 44H10 नाम से टार्ट ब्रांड का कंसीलर है, जो कि फेयर कलर के ऊपर अगर कुछ प्रॉब्लम होती है उसको हाइड करना था तो ये काम में आता है। और अगर हमको हाइलाइटिंग करनी है तो टार्ट ब्रांड का 22N लाइट नेचुरल के नाम से आता है, ये वाला कंसीलर हम लोग परचेज कर सकते हैं। इसी तरीके से मैंने क्रीम कंसीलर्स में फॉरएवर 52 का कंसीलिंग पैलेट लिया हुआ है, जिसमें कि करेक्टर और कंसीलर्स दोनों हैं, वो भी हैं और हाइलाइटर्स भी हैं और कॉन्टोर भी है, तो इससे बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो हम ये पैलेट भी ले सकते हैं, जैसे इसमें कि ऑरेंज करेक्टर है, ग्रीन करेक्टर है, ऑरेंज डार्क में भी है, और बहुत लाइट सी प्रॉब्लम हो तो पीच कलर भी है, और हमको कॉन्टोर करना है तो कुछ डार्क शेड्स भी हैं, और अगर हमें डायरेक्ट कंसीलिंग करनी है, करेक्टर्स का यूज़ नहीं करना, तो हम लोग कंसील भी कर सकते हैं इन कलर से, इससे हम लोग प्रॉब्लम को छुपा सकते हैं। हाईलाइट के लिए वाइट कलर भी दिया हुआ है, और जब हम लोग ऑरेंज करेक्टर का यूज़ करते हैं तो उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए येलो कलर भी दिया हुआ है। इन कलर्स को भी हम लोग हाईलाइटिंग के काम में लेते हैं। जब मीडियम फेयर स्किन टोन होती तो हम ये वाला हाईलाइटर यूज़ में लेते हैं, और ज़्यादा फेयर होती तो हम लोग ये वाला हाईलाइटर यूज़ में लेते हैं। कॉन्टोर भी हम इसी पैलेट से कर सकते हैं। तो इस तरह की आप पैलेट परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप ब्राइडल्स मेकअप करते हैं और आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं मेकअप में, तो आप ये वाली पैलेट परचेज़ कर सकते हैं। इसके बाद कुछ पैलेट मैंने मेकअप स्टूडियो ब्रांड की परचेज़ की हुई है, जिसमें कि अब आपको इसमें क्या होगा कि ये क्रीम कंसीलर है और ये रेडी टू यूज़ है। तो रेडी टू यूज़ का मतलब ये है कि अगर मेरे स्किन पर रेडनेस की प्रॉब्लम है कहीं कहीं पर, तो बहुत फेयर स्किन है, तो उन लोगों ने क्या किया, स्टूडियो ब्रांड ने इसमें R1 नाम से ये प्रोडक्ट बनाया, जो कि हम डायरेक्ट एप्लीकेशन कर सकते हैं विदाउट करेक्टिंग। तो हम जहाँ भी प्रॉब्लम होगी रेडनेस की, प्रोडक्ट को लेंगे, अच्छे से इसको इस तरह से वॉर्म करेंगे फिंगर पे, और वहाँ वहाँ हम लोग एप्लीकेशन कर देंगे इसकी डैब डैब करके। तो क्या होगा, इसके लिए मेरे को ग्रीन करेक्टर की नीड नहीं रहेगी, ये रेडी टू यूज़ है, इसको मैं ऐसे ही ले लूँगी। तो हमारे पास जब टाइम कम होता है, बहुत सारी गैदरिंग होती है, ब्राइट्स ज़्यादा होती हैं, तो हम लोगों को ऐसे कंसीलर्स भी रखने चाहिए जो कि हम जल्दी से यूज़ कर सकें और हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो जैसे ये एक्स्ट्रा फेयर के लिए, बहुत ज़्यादा फेयर के लिए, थोड़ा कम जैसे मतलब फेयर कलर है, तो उसके लिए ये R2 है, ये R1 है और ये R2 है, और ये सेपरेटली भी मिल जाते हैं। अगर आप लेने जाएं स्टूडियो ब्रांड का, तो आप उनको बोल दीजिए कि मेरे को R1 और R2 का आप मेरे को एक छोटा पैलेट बना दीजिए, वो बना देते हैं। इसी तरीके से हमारा क्या होता है, जो मैंने आपको बताया था कि पिगमेंटेशन वगैरह को हाइड करने के लिए हमें जो होता है ऑरेंज कंसीलर की नीड होती है, क्योंकि वो क्या करता है, ब्लू प्रॉब्लम को हाइड करता है। तो ब्लू प्रॉब्लम में हमारा क्या क्या आता है, पिगमेंटेशन, अंडर आई डार्क सर्कल, टैनिंग, और किसी भी तरह का कोई एक्ने पिंपल का पुराना मार्क जो होता है, जो ब्लैक हो गया हुआ होता है, उसको हाइड करने के लिए हमारे जो स्टूडियो ब्रांड है उसमें ये पैलेट है, जिसका है EP058। इसमें इन्होंने दिया है Blue 0, Blue 1, Blue 2, Blue 3 और टॉफ़ी। तो ब्लू का मतलब हो गया हमारी ब्लू प्रॉब्लम को रिमूव करना। अगर बहुत फेयर कलर है, हल्का हल्का सा प्रॉब्लम है, तो B0 मतलब Blue 0, और थोड़ा सा आपको फेस टोन के अकॉर्डिंग मैंने बताया कि एक शेड डार्क लेना है। तो आप ये देख लेंगे कि अगर स्किन टोन फेयर है और प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो आप मिक्स मैच करके भी लगा सकते हैं। मिक्स मैच दोनों को एक एक बार ऐसे किया और अच्छे से मिक्स किया, और ऐसे डैप डैप करके एप्लीकेशन कर दी, और उसको स्पॉन्ज से डैप डैप करके सारा उसको जो है ब्लेंड कर दिया अच्छे से। तो ये मैं आपको डेमो देके बताऊंगी कि कैसे करना। और एक टॉफ़ी कलर है इसमें, जो कि अगर ज़्यादा डार्क सर्कल हो, ज़्यादा प्रॉब्लम हो, तो तभी हम ये कलर भी इनके संग मिक्स कर देते हैं थोड़ा थोड़ा, तो यूज़ कर लेते हैं। तो ये तो मैं आपको डेमो देके बताऊंगी हम लोग कैसे यूज़ करते हैं इनका। इस तरीके से मैंने फॉरएवर 52 के दो कलर मंगा के रखे हुए हैं, जिसमें कि मैं हाइलाइटिंग के काम में लेती हूँ और एक मैं कंसीलिंग के काम में लेती हूँ एक्ने मार्क को छिपाने के लिए। तो वो है C00005, ये लिक्विड कंसीलर है फॉरएवर 52 का,
और इसके बाद एक मैंने हाइलाइटिंग के यूज़ में लिया हुआ है C0V001 है, ये हाइलाइटिंग के यूज़ में मैं लेती हूँ। और कई बार आपने देखा होगा कि मैं आई एरिया को बड़ा करने के लिए आई बेस ना लगा के कंसीलर का यूज़ करती हूँ, तो आप ये वाला कंसीलर परचेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने बहुत सारे तरीके के कंसीलर्स रखे हुए हैं। ये स्टिक कंसीलर है, ऑरेंज करेक्टर है, ये स्टिक में है। तो जब आपको इसकी नीड हो, क्योंकि हमें इसलिए रखने पड़ते हैं कि हमारे पास, क्योंकि हम इसका काम करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग आते हैं जिनका स्किन टाइप अलग अलग होता है। तो जब भी हम इस काम को करेंगे, सोच समझ के करेंगे, स्किन टाइप को देखकर करेंगे, प्रॉब्लम को देखकर करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, हमें कितने प्रोडक्ट की नीड है, हमें करेक्टर का यूज़ करना है कि नहीं करना, डायरेक्ट कंसील कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आप इस काम में हैं और काम कर रहे हैं तो आपके पास कुछ सामान होना अलग अलग तरह का ज़रूरी है। और अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आप धीरे धीरे इन प्रोडक्ट्स को ले सकते हैं। आप प्रो गर्ल जो नाम से आते हैं करेक्टर्स कंसीलर्स, इनको आप ले सकते हैं, ये अच्छे हैं, इनकी रेंज भी ठीक है। तो इस तरह से मैंने इसके भी काफ़ी सारे करेक्टर और कंसीलर्स मंगा के रखे हुए हैं, तो मैं इनको भी यूज़ करती हूँ जब मेरे पास नॉर्मल मेकअप आते हैं, पार्टी मेकअप वगैरह एले प्रो गर्ल का, तो मैं ऐसे कंसीलर्स यूज़ करती हूँ। तो इसमें जो मेन कंसीलर्स है जो ज़्यादा यूज़ में आते हैं वो है GC983 फोन नाम से, एक येलो करेक्टर है जो हमारा GC991। ये मैंने आपको बताया था कि एक तो ये हमारे जो पर्पल प्रॉब्लम होगी इसको दूर करेगा। इसका एक काम और होता है, आप देखते हैं कि जो ये करेक्टर्स आते हैं एले गर्ल में वो थोड़े डार्क होते हैं। अगर आप बाय चांस कभी और भी किसी ब्रांड का ख़रीदा और आपके पास डार्क आ जाए, जैसे कि ये बहुत डार्क अपना करेक्टर है ये वाला, तो अगर हमारे पास कोई करेक्टर डार्क आ जाए तो हम इसको डायरेक्ट लगा देंगे तो क्या होगा कि सारा फेस ऑरेंज ऑरेंज दिखेगा। इसकी कवरेज तो बहुत अच्छी है लेकिन ये थोड़ा डार्क है, ये पैरेडियो ब्रांड का है। तो मैंने जब ये करेक्टर ले लिया और ये बहुत डार्क है तो मैं क्या करूँगी, इसको ऐसे ही लगा दूँगी तो क्या होगा कि सारा फेस ऑरेंज ऑरेंज हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, इसमें येलो करेक्टर मिक्स कर लूँगी। तो येलो हमारा किस काम आया, इस प्रॉब्लम को जो हमने ऑरेंज लगाया है उसको न्यूट्रलाइज़ करने के काम आया, कि हम उसको न्यूट्रलाइज़ कैसे कर सकते हैं। अगर मैंने ऑरेंज का यूज़ कर लिया है तो मैं उसको इस तरीके से लाइट कर दूँगी, तो ये हमारा ऑरेंज लाइट हो गया, तो ये बिल्कुल एक्यूरेट जाएगा स्किन के ऊपर। या हम इन दोनों को मिक्स करने के बाद भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं पहले ऑरेंज लगा दिया फिर हम लोगों ने येलो लगा दिया, हम इस तरीके से इन दोनों को मिक्स कर लेंगे। इनको मिक्स करने के बाद हम लोग ऐसे डैब डैब करके अप्लाई कर लेंगे। तो येलो का काम हुआ पर्पल को जो प्रॉब्लम है हमारे फेस को उसको हाइड करना, और अगर हमारा करेक्टर ज़्यादा डार्क ऑरेंज है तो मैं उसको न्यूट्रलाइज करूँगी येलो से। तो इस तरीके से हमारे कुछ कंसीलर्स हैं जो हम लोग परचेज़ कर लें तो बहुत अच्छी बात है, हमारे आगे काम आएंगे। एक कूल टेन नाम से है, GC980 कूल टेन, तो ये भी बहुत काम में आता है ये वाला। और एक मेरे पास है इसका डार्क शेड में है ये, तो ये वाला भी आप एले गर्ल का कंसीलर ले सकते हैं। इसका है ये चेस्टनट के नाम से है GC986, इसको मैं कभी कभी कंटूर करने के काम में लेती हूँ क्योंकि बहुत डार्क शेड है तो ये कंटूरिंग में बहुत अच्छा काम में आता है। देखिए ये कितना डार्क है, इससे मैं कंटूर कर सकती हूँ। तो आप इन्हीं से काम कर सकते हैं सब तरह के, जैसे आप कंटूर भी कर सकते हैं, हाईलाइट भी कर सकते हैं, तो ये आपके इन काम में भी आते हैं। एक ये टॉफ़ी है GC984, ये टॉफ़ी है, ये भी आप ले सकते हैं, ये डार्कनेस को छुपाने के लिए है ये भी। तो इस तरह से कुछ कंसीलर्स आप एले गर्ल के परचेज कर सकते हैं। एक मीडियम बेज नाम से है जो फेयर स्किन पर लगा सकते हैं, GC978। तो इस तरह से आप कुछ कंसीलर्स जो है प्रो गर्ल के एले प्रो गर्ल के ले लीजिए, ताकि आपको ये कंसीलर्स इनकी रेंज ठीक होती है और इनकी कवरेज भी अच्छी होती है, आप इनको परचेस कर सकते हैं। इस तरह से जो मैंने आपको एले गर्ल के प्रो कंसीलर्स दिखाए हैं, आप ये कुछ कंसीलर्स ज़रूर परचेस कर लीजिए। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं और आपको बहुत सारे नहीं लेने तो आप ये जो मैंने 3-4 कलर्स आपको बताए हैं ये आप ज़रूर ले लीजिए, ताकि आपके काम आते रहें। और इस तरीके से आज हमारा जो कंसीलिंग के ऊपर टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। अगर आपको कुछ इसमें समझ नहीं आया और आप पूछना चाहते हैं तो मेरी आप इंस्टा आईडी पे मेरे को DM करके पूछ सकते हैं जो भी आपको प्रॉब्लम है कंसीलर से रिलेटेड।
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और समझ आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं फाउंडेशन की डिटेल के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।